तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप यूज़ करते हैं गूगल पे उससे आप कैसे अपने बिजली का बिल पे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आपको पे बिल्स देखने को मिल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना बिल पे कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता आपको तो आप दूसरा तरीका भी, आप नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको सी ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे, दोनों तरफ से यही ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए कौन से स्टेट की आपकी बिजली है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रही हूँ मैं उत्तर प्रदेश, जो कि मैं गांव से रहने वाला हूँ तो रूरल में यहाँ से सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट लिंक करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको अकाउंट नंबर डालना है, तो मैंने अकाउंट नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद आप निकने पर यहाँ पर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी डालना है या नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पर लिंक अकाउंट पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है लिंक करने के लिए बोलेगा, सारी डिटेल हमारे आ चुकी है, नाम वगैरह, तो नाम आ चुका है। तो नाम अगर आपका कन्फर्म हो गया यही नाम है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक अकाउंट पर सिंपल क्लिक कर देना। यदि आपका नाम से नहीं शो होता तो आपने गलत डाला है, सीधी सी बात है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश होगा और आपके यहाँ पे बिल शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे 334 रुपये मेरा बिल है और यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ आप कन्फर्म कर लीजिए जो आपके पास बिल आया हुआ है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है जैसे, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पे बिल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 334 रुपये पे करने के लिए बोलेगा, जो भी आप अकाउंट से पे करना चाहते हैं वो अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेना नीचे। उसके बाद पे 334 पे क्लिक करूँगा, UPI पिन डालूंगा अपना, एंटर करूँगा, उसके बाद हमारा जो बिल है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे बिल पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए पेड लिखा आ जाएगा यहाँ थोड़ी देर में, पेड लिखाने के बाद समझ लीजिए आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे कट चुका है, मेरा पेमेंट भी कट चुका है और यहाँ पे बिल भी हमारा जमा हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे बिल जमा कर सकते हैं अपने गूगल पे से। अगर यहाँ पे दूसरा भी अकाउंट है किसी और का बिल पे करना, तो आप यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिंक अकाउंट पर फिर से क्लिक करना है, क्योंकि हमको दूसरे अकाउंट का किसी का और का पे करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे तरीके से लिंक मतलब लिंक कर लेना अपना अकाउंट और यहाँ से आप इसको पे कर पाएंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस बाय।